आज हम राजनीति के उस चर्चित चेहरे के बारे में बात करेंगे जिसने अपने दम पर न केवल एक शहर या फिर राज्य बल्कि पूरे देश में ही अपनी बिल्कुल ही एक अलग पहचान बनाई थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी बात एक दो हजार नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं भारत देश के लोकप्रिय नेता बाल केशव ठाकरे के बारे में, जिनको कोई बाला साहेब ठाकरे तो कोई हिंदू हृदय सम्राट कहकर बुलाता है। वैसे तो आप सब इनको भली भांति जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। इनके बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी और आज की इस वीडियो में भी हम आपको इनके जीवन की कहानी और जीवन से कुछ जुड़ी हुई रोचक बातें बताएंगे। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिसे महाराष्ट्र के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। उनकी माँ का नाम रामाबाई और पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था। बाल ठाकरे के पिता पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। बाल ठाकरे कुल 9 भाई बहन थे जिनमें वह सबसे बड़े थे। बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ये वही आंदोलन था जिसके जरिए ये लोग मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य महाराष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। बाल ठाकरे के बचपन के बारे में वैसे तो किसी को ज्यादा नहीं पता, पर उनकी सोच उनके पिता से काफी मिलती जुलती थी और वक्त के साथ साथ वे जैसे जैसे बड़े होने लगे अपने पिता की झलक उनमें दिखने लगी। ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट से करी। इसके अलावा उनके कार्टून्स और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी हर संडे को प्रकाशित किए जाते थे। 1960 में उन्होंने खुद का वीकली कार्टून शुरू किया जिसका नाम मार्मिक था। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठी लोगों की बढ़ती तादाद और प्रभाव का विरोध करा। इसके कुछ समय बाद ही फ्री प्रेस जर्नल से कुछ विवाद के चलते उन्होंने और उनके 4-5 साथियों ने वहां पर नौकरी छोड़ दी और खुद के ही अखबार की शुरुआत करी, जो मुश्किल से 1-2 महीने ही चल सका। वहीं दूसरी ओर मार्मिक काफी सफल हो रहा था और इसी की सफलता को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो मराठी लोगों के लिए लड़ेगा। और बस इसी सोच के साथ 19 जून 1966 को बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना कर दी। पार्टी की स्थापना के महज कुछ ही सालों में वह लोकप्रिय होने लगी थी। शुरुआत में जहां बाल ठाकरे द्वारा शुरू की गई पार्टी सिर्फ चंद इलाकों तक सीमित थी, वही पूरे राज्य में सक्रिय हो गई। जैसे जैसे पार्टी मजबूत होती गई वैसे वैसे बाल ठाकरे का कद राजनीतिक गलियारों में बढ़ने लगा। बाल ठाकरे उन व्यक्तियों में से एक थे जो दूसरों के यहाँ उनसे मिलने नहीं जाया करते थे, बल्कि जिसे भी उनसे मिलना होता था वह खुद उनसे आकर मिलता था। 1995 आते आते शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली। यह गठबंधन 1999 तक पावर में रहा जिससे बाल ठाकरे का कद और भी ऊंचा हो गया। 1999 में ठाकरे धर्म के नाम पर वोट मांगते दिखे, जिसके बाद उनके 6 साल तक वोट देने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंध के बाद उन्होंने सीधा 2007 में वोट दिया। ठाकरे अगले कई सालों तक मराठी लोगों के दिलों पर राज करते रहे, पर 17 नवंबर 2012 को दिलों पर राज करने वाले बाल ठाकरे दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु का कारण हृदयाघात था। उनकी मृत्यु की खबर इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया। साथ ही कभी ना रुकने वाला शहर मुंबई भी पूरी तरह से रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया था। 1920 में बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार के बाद यह ऐसा दूसरा अंतिम संस्कार था जिसे पब्लिक में किया गया। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में लगभग 15 से 20 लाख लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए शामिल हुए थे। आप बाला साहेब की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ना तो वे कभी कोई नेता थे और ना किसी पद पर काबिज थे, पर इसके बाद भी उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं अगर बाल ठाकरे की पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उनकी पत्नी का नाम मीना ठाकरे था, जिनसे उन्हें 3 लड़के थे जिनके नाम बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे, उद्धव ठाकरे है। इन तीनों में उद्धव ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं और 2019 में उनके आने वाले जन्मदिन 23 जनवरी को उनके ऊपर फिल्म भी रिलीज होने वाली है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।